दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए दिन भर में जो भी अपडेट्स निकल कर आई है ना, आज मैं आपको साल 2023 की टीम केकेआर के लिए ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जो शायद तो क्या ही लगाएं, बेस्ट न्यूज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चाहते हो न्यूज बिल्कुल कंफर्म हो जाए, सच हो जाए, तो आपको एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहली अपडेट्स निकल कर आ रही है LAKR को लेकर। तो यार दोस्तों यहां पर हमें एक बार फिर से बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ी सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट देखने को मिली है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कप्तान इन्होंने अनाउंस कर दिया है, जिसको हम एक अलग सेक्शन एक अलग न्यूज के अंदर कवर कर रहे हैं। नाम बता देता हूं, LAKR के कैप्टन सुनील नारायण होने वाले हैं। अब ये टॉपिक हो गया, अब इसको है ना थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कैप्टनसी वाली न्यूज अलग है। बात करें LAKR की तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बहुत ही अच्छी रिलीजिंग यहां पर निकल चुकी है। अब ये न्यूज मैंने आपको क्यों बताई कि जवान का ट्रेलर और LAKR का कुछ यहां पर कनेक्शन है। अब यहां पर मालिक तो सेम है, ये आप समझ जाओगे। मैं आपको बता दूं जो वेंकी मायसूर है ना, वो KKR को संभालते हैं, LAKR को संभालते हैं, ADKR को संभालते हैं, यानी कुछ भी आप कह लो वो सब कुछ संभालते हैं स्पोर्ट्स जो भी है क्रिकेट के अंदर, और संभालते हैं यहां पर रेड चिलीज प्रोडक्शन को भी। रेड चिलीज प्रोडक्शन आप जानते हो शाहरुख खान की प्रोडक्शन है। अब अगर बात करें तो पहला जो मैच है उसका शो सोल्ड आउट हो चुका है। अब आप बोलोगे शो तो सोल्ड आउट है, यहां पर टीवी जो कहते हैं मूवीज का होता है, बट नहीं दोस्तों, चेन्नई और KKR का पहला मुकाबला जो होने वाला है उसका पूरा का पूरा शो सोल्ड आउट हो गया है। दूसरी बात, शाहरुख खान खुद प्रेजेंट रहने वाले हैं LAKR का जो पहला ही इनॉग्रल मुकाबला होने वाला है उसके लिए। इसके अलावा 2 से 3 बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं जिसका थोड़ा वेट कर रहे हैं। वाइस कैप्टन में आप सभी को बता दूं, वाइस कैप्टन के लिए अभी जद्दोजहद है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट वाइस कैप्टन मैं आपको बता दूं शॉकिंग हो सकता है। यहां पर आपको लॉकी फर्गसन भी देखने को मिल सकते हैं। ओपनिंग में भी एक बड़ा चेंज है और अब हाँ हेड कोच या कप्तानी वो कहते हैं हेड कोच या फिर हेड जो कहते हैं ना बैटिंग कोच, उसके लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है जिसको आपको वेट करना पड़ेगा। बट आप कमेंट करके जरूर बताओ इन सभी के बीच LAKR के लिए अब आप कितना एक्साइटेड हो, जिसको आप बिल्कुल फ्री में जियो से नाम पर देख सकते हो। अगली अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। तो जैसे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि साल 2023 की सबसे बेस्ट न्यूज़ मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब आप बोलोगे यार बेस्ट तो तब होता ना जब टीम KKR साल 2023 का टाइटल जीत जाती। दोस्तों टाइटल तो फिर जीत जाएगी क्योंकि टाइटल जिताने वाला ही अब टीम KKR में आने वाला है। 2012-2014 टीम KKR के सबसे सफल कप्तान गौतम गंभीर की होमकमिंग होने वाली है। अब होमकमिंग का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो आपको डिटेल्स समझाना पड़ेगा। आप बोलोगे यार कि वो लखनऊ के साथ हैं, कभी कमेंट्री कर रहे हैं, कभी यहां पर न्यूज के अंदर स्टेटस बना रहे हैं, यानी अच्छे अच्छे कड़वे कड़े शब्द बोल रहे हैं कभी किसी प्लेयर के बारे में और सच्चाई उगल रहे हैं, तो इसको भी आपको मैं एक अच्छी टॉपिक बनाकर समझाऊंगा। बट हाँ खुशी की बात यह है, आप मान के चलो गौतम गंभीर आ रहे हैं टीम KKR में, नाइट फैमिली में उनका वेलकम बैक होने वाला है, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि वो वापस आ रहे हैं तो उनका क्या रोल होने वाला है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है कैप्टनसी को लेकर। तो शायद ही KKR इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा कि सुनील नारायण वापस उनको कप्तानी दी गई है। अब मैं आपको इनकी लास्ट कप्तानी की अगर कारनामे सुना दूं तो 6 मुकाबले ये लगातार हारे थे। अब आप बोलोगे यार ऐसे तो टीम KKR भी साल 2014 के अंदर हारी थी, जिसमें से वो दोस्तों लास्ट के उनको सभी मुकाबले जीतने थे और लास्ट के सभी मुकाबले टीम KKR जीती थी, बट तब उनके कैप्टन गौतम गंभीर थे, अभी सुनील नारायण है। बात करें तो यहां पर उनके 6 मुकाबले जो ADKR थी उसके लिए हारे थे, उसके बाद 1-2 मुकाबले जीत गई, फिर सबको लगा कि अब कमबैक होगा, बट वहां पर भी ढीठपना दिखा दिया। तो कैप्टनसी से तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। आप कमेंट करके जरूर बताओ LAKR का जो कैप्टन है वो उसके लिए आप खुश हो या फिर नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।